हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बॉलीवुड के बीते जमाने के स्टार जितेंद्र की दीवानगी गजब की थी। ढल गया दिन हो गई रात, ताकि उताकी नैनों में सब नैन ऑल। गजब के डांस मूव्स और पूरे व्हाइट कपड़े जिसमें वो अलग ही दिखते थे। तकरीबन 4 दशक लंबे करियर में जितेंद्र ने तोहफा, हिम्मत वाला, कारवा, परिचय, मवाली समेत कई हिट फिल्मों में काम किया है। अपने अनोखे डांसिंग स्टाइल की वजह से लोग उन्हें जंपिंग जैक बुलाते थे। जितेंद्र ने करीब 121 हिट फिल्में दी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। कभी 8 साल में 60 फिल्मों में काम करने वाले जितेंद्र तकरीबन 23 साल पहले एक्टिंग छोड़ चुके हैं। 2001 में उन्हें फिल्म कुछ तो है में देखा गया था। इसके बाद वो कुछ टीवी सीरियलों और वेब सीरीज में चंद मिनट के लिए ही नजर आए थे। तो वहीं एक इंटरव्यू के दौरान जितेंद्र ने कहा था कि उन्हें याद ही नहीं कि वो कभी एक्टर थे। वैसे एक्टिंग के अलावा जितेंद्र ने प्रोडक्शन हाउस से भी मोटी कमाई की है, लेकिन फिल्में प्रोड्यूस करते हुए जितेंद्र 2 बार दिवालिया भी हो गए थे। जितेंद्र ने तब भी हार नहीं मानी और आज उनकी संपत्ति 1512 करोड़ रुपए है। आपको बता दें, जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम रवि कपूर है। जितेंद्र के पापा अमरनाथ फिल्म इंडस्ट्री में नकली ज्वेलरी सप्लाई करने का काम किया करते थे, इसीलिए पूरी फैमिली अमृतसर से मुंबई आकर बस गई थी। तभी जितेंद्र ने आगे की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरी की। जितेंद्र जब बड़े हुए तो अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। इसी सिलसिले में एक दिन वो वी शांताराम से मिले। इसी दौरान उनके मन में हीरो बनने की इच्छा जाग गई। उन्होंने वी शांताराम से किसी फिल्म की शूटिंग देखने की इच्छा जताई। शांताराम ने कहा, सिर्फ शूटिंग देखने से काम नहीं चलेगा, काम करोगे। बस उसी पल का इंतजार था और वो पल आ ही गया। जितेंद्र ने तुरंत हामी भर दी। फिल्म नवरंग की शूटिंग के दौरान जितेंद्र को छोटे मोटे काम मिल जाया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब जितेंद्र की किस्मत चमक गई। ये किस्सा उन्होंने खुद द कपिल शर्मा शो के दौरान सुनाया था। तभी जितेंद्र ने कहा था, हाँ, मैं फिल्म सहरा की शूटिंग के दौरान जूनियर आर्टिस्ट था। मुझे शांताराम जी की चमचागिरी करनी पड़ी थी। मैं उस वक्त कुछ भी करने को तैयार था। तो एक दिन बीकानेर में शूटिंग के वक्त हीरोइन संध्या जी का कोई बॉडी डबल नहीं मिल रहा था। शांताराम जी ने मुझे संध्या जी का बॉडी डबल बना दिया और इस तरह मेरी फिल्मों में एंट्री हुई। शुरुआत में जितेंद्र को काम तो मिला, लेकिन 6 महीने तक कोई फीस नहीं मिली। उनसे बी शांताराम ने वादा किया था कि जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें हर महीने 105 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब बी शांताराम ने जितेंद्र को 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से ब्रेक दिया, तब अपनी पहली फिल्म की फीस के तौर पर जितेंद्र को 100 रुपए मिले। गीत गाया पत्थरों ने से जितेंद्र को ब्रेक तो मिला, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। ऐसे में जितेंद्र को फिर छोटे मोटे रोल्स करके गुजारा करना पड़ा। हालांकि उनके मन में अब भी सोलो लीड स्टार बनने की तमन्ना थी। 1967 में रिलीज हुई फर्क जितेंद्र के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई, लेकिन बतौर लीड स्टार फिल्म इंडस्ट्री में जमना उनके लिए आसान नहीं था। एक बार फिल्म मेकर सुबोध मुखर्जी ने जितेंद्र से कहा था कि उन्हें लेकर एक सोलो हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं। जितेंद्र खुश हो गए, लेकिन तभी सुबोध ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं फिल्म तभी बनाऊंगा जब हेमा मालिनी इस फिल्म में काम करेंगी। दरअसल उस दौर में हेमा मालिनी का स्टारडम किसी मेल सुपरस्टार से कम नहीं था। जितेंद्र भी ये बात भाप गए कि अगर हेमा उनकी हीरोइन बन जाए तो उनकी भी नैया पार लग जाएगी और वो भी बतौर लीड हीरो छा जाएंगे। मगर ये इतना आसान नहीं था। उस समय हेमा के करियर के फैसले उनकी माँ जया चक्रवर्ती लेती थी। जब जितेंद्र ने उन्हें फिल्म के बारे में बताया तो उन्होंने मना कर दिया। जितेंद्र उनके पीछे पड़ गए और कहा, आपकी बेटी अगर मेरे साथ फिल्म कर लेगी तो मेरा करियर बन जाएगा। आखिरकार जया मान गई। जितेंद्र ने ये बात सुबोध मुखर्जी को बताई और उन्होंने झट से हेमा को फिल्म में साइन कर लिया। आगे मामले में ट्विस्ट तब आया जब सुबोध मुखर्जी ने फिल्म में जितेंद्र के बजाय शशि कपूर को हीरो के तौर पर साइन कर लिया। दरअसल सुबोध ने कहा कि फिल्म के प्रोड्यूसर और फाइनेंसर ने कहा है कि जब हीरोइन हेमा मालिनी है तो हीरो भी बड़ा कास्ट करो, जितेंद्र को लेने की क्या जरूरत, इसीलिए मैंने शशि कपूर के साथ फिल्म अनाउंस कर दी।
जितेंद्र ने जब सुबोध से कहा कि हेमा मेरी वजह से फिल्म में आई है, तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि हम यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं। जितेंद्र इस बात से इतने मायूस हो गए थे, अब क्या ही कहें, कोई भी मायूस हो ही जाता है। लेकिन इसी बीच एल वी प्रसाद ने उन्हें फिल्म जीने की राह का ऑफर दिया। ये फिल्म सुपरहिट हो गई और जितेंद्र चमक गए, जबकि हेमा और शशि कपूर स्टारर फिल्म अभिनेत्री बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। जब जितेंद्र बड़े स्टार बन गए तो हेमा की मां जया चक्रवर्ती को वो अपनी बेटी के लिए परफेक्ट लगे। जया हेमा की उनसे शादी भी करवाना चाहती थी। दरअसल तब हेमा का अफेयर धर्मेंद्र से चल रहा था और संजीव कुमार भी हेमा से शादी करना चाहते थे। हेमा की मां को ना संजीव कुमार पसंद थे और ना ही धर्मेंद्र। वो नहीं चाहती थी कि हेमा की शादी इन दोनों में से किसी स्टार से हो, जबकि जितेंद्र उन्हें बेटी के लिए बेहद पसंद थे। जया चक्रवर्ती ने बेटी हेमा की शादी जितेंद्र से फिक्स कर दी थी और चेन्नई में दोनों साथ फेरे लेने भी वाले थे। तभी धर्मेंद्र शादी के मंडप में जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर पहुंच गए और हेमा से उनकी शादी तुड़वा दी। फिर 1983 में जितेंद्र ने फिल्म हिम्मतवाला में श्रीदेवी के साथ पहली बार काम किया था। दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। यही वजह है कि एक दौर ऐसा आया जब जितेंद्र हर फिल्म में सिर्फ श्रीदेवी के साथ ही काम करना चाहते थे। यही वजह है कि हिम्मतवाला के बाद राघवेंद्र राव ने जब जानी दुश्मन, जस्टिस चौधरी, तोहफा, सुहागन, धर्माधिकारी और दिल लगा के देखो फिल्में बनाई, तो उन्होंने इनमें श्रीदेवी को ही लिया। लेकिन जब 1975 के आसपास जितेंद्र को बतौर हीरो फिल्म में मिलना बंद हो गई, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गई थी। इसके बाद जितेंद्र दूसरी बार तब दिवालिया हुए जब उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस करने के बारे में सोचा। 1982 में उन्होंने फिल्म दीदार ए यार बनाई, जो कि फ्लॉप साबित हुई। इससे जितेंद्र को काफी नुकसान हुआ। फाइनेंशियल कंडीशन से उबरने के लिए जितेंद्र ने 8 साल में 60 फिल्मों में काम किया। जितेंद्र के इतने फिल्में करने पर लोग उन्हें इनसिक्योर एक्टर तक कहने लगे थे, लेकिन जितेंद्र को इसमें कुछ गलत नहीं लगता। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने 8 साल में लगातार 60 फिल्में इसीलिए की क्योंकि ये सच है कि 1980 के दौर में मैं काफी इनसिक्योर था। मैं गोरेगांव की चौल से उठा व्यक्ति हूँ। मैंने वो समय देखा है जब मेरे घर में पंखा लगा था तो पूरे चौल के लोग उसे देखने के लिए आए थे। मैंने बुरा दौर करीब से देखा है, इसीलिए मैं पागलों की तरह काम करता था। वैसे आपको बता दें, जितेंद्र 23 साल से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद 1512 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स, ऑल्ट बालाजी और बालाजी मोशन पिक्चर के जरिए उनकी सालाना कमाई 300 करोड़ रुपए तक है। वो कहते हैं ना, जो मेहनत से पीछे नहीं हटते उनकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए कहते हैं ना, मेहनत करो और अपने हाथों की लकीरों को खुद ही बदलो। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऐसा ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।